नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। पोषण ट्रैकर ऐप में जब हम लोग टीएचआर करते हैं तो टीएचआर की एंट्री करते समय कई आंगनबाड़ी सेविकाएं कुछ गलतियां करती हैं। उन गलतियों को आपको नहीं करना है। आज की इस वीडियो में आपको टीएचआर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बतलाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और जैसे कि इस महीने का जो टीएचआर का फॉर्म है, अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सबमिट कर लें। और जो भी कुछ गलतियाँ हुई है, जो भी कुछ छूटा हुआ है, उसको आप लोग एक बार अपडेट जरूर कर लें। तो चलिए, कैसे टीएचआर की एंट्री की जाती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप जो है इसको ओपन कर लेना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिए हैं। इस प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में आ जानी है। आने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे किस बच्चे को टीएचआर नहीं देते हैं, तो जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम लोग टीएचआर नहीं देते हैं। और यहाँ पे 0 से 6 माह के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं करते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे किनका किनका एंट्री करना है, तो गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको हम लोग टीएचआर देते हैं, तो उनकी एंट्री हमें इस पोषण ट्रैकर ऐप में करनी होती है। अब चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन की टीएचआर की एंट्री जो है उसको करके दिखाते हैं कैसे आपको करना है, ताकि आपका 100% टीएचआर की जो एंट्री है वो सही अपलोड हो जाए। यहाँ पे हमने प्रेग्नेंट वुमेन की कैटेगरी ओपन की है। इसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर से जो 3rd नंबर ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर और ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल्स, यानी कि हमें जो टीएचआर की एंट्री करनी है यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन वाले पे आ जाना है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सभी कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका लैंग्वेज, ताकि आपको समझाने में और समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज पे सिलेक्ट करके हम इसको हिंदी कर लेते हैं। हिंदी करने के बाद फिर से हम आएंगे बेनिफिशरी वाली कैटेगरी में, फिर यहाँ पे गर्भवती महिला की कैटेगरी में आएंगे, फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो आपका पेज है वो हिंदी में खुल के आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस गर्भवती महिला की जो है टीएचआर की एंट्री की जा चुकी है, बट ये अभी 100% टीएचआर की एंट्री सही नहीं की गई है। बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें जो है सिर्फ यही जो पोषण युक्त हस्तक्षेप का ऑप्शन है इसको ही भर के छोड़ देती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 और कॉलम दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम को भी आपको ग्रीन करना है। उसके लिए आपको कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्वास्थ्य खोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस गर्भवती महिला का सेंटीमीटर डालेंगे कि वो गर्भवती महिला कितने सेंटीमीटर की है, उनका वजन कितना है। आप लोग हर महीने वजन करते ही होंगे अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, तो वही वजन और सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। तो जो भी इनका सेंटीमीटर में हाइट आपने मापा होगा वो हाइट आपको यहाँ पे डाल लेनी है। तो हमने यहाँ पे इनका हाइट डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे वजन हम डालेंगे। वजन भी आप देख पाएंगे लिखा गया है 30 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे आपने उस गर्भवती महिला का वजन मापा होगा, तो उस वजन को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। चलिए हम इसको यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वजन डाल दिया है। वजन डालने के बाद हीमोग्लोबिन यहाँ पे पूछ रहा है, तो हीमोग्लोबिन भी आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। 5 से 30 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। जो भी हीमोग्लोबिन हो आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करे वाले पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो रिकॉर्ड है वो सब सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो सक्सेस होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला नंबर जो कॉलम है वो ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम जो है वो रेड दिखा रहा है, तो हमें तीनों कॉलम को ग्रीन करना है। इसके लिए आपको फिर यहाँ पे क्या करना है कि जो दूसरा कैटेगरी है स्वास्थ्य खोज के बाद पोषण युक्त अनुपूरक, यानी कि उस गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी केंद्र से क्या गोली दी गई है, क्या अनुपूरक सुविधाएं दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे कि आयरन, विटामिन, कैल्शियम की जो गोली होती है वो आंगनबाड़ी केंद्र से उस गर्भवती महिला को दी जाती है, तो जो भी दिया गया हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आयरन और कैल्शियम पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सुरक्षित करे वाले पे क्लिक करेंगे, हमारा दूसरा कॉलम भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में
जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी का ये तीनों कॉलम ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका 100% जो है कि ये THR का काम पूरा होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे पोषण युक्त हस्तक्षेप, जैसे कि हम THR जो देते हैं जिस गर्भवती महिला को, उसको हम लोग यहाँ पे टेक होम राशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितने दिनों के लिए THR दिया गया है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 25 दिनों के लिए हम THR देते हैं। तो इस प्रकार से 25 दिनों की संख्या डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे अगर वो लाभार्थी कोई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रही है तो आप इन तीनों कॉलम में से कोई एक कॉलम चेक कर सकते हैं। भी स्वास्थ्य सेवा वो प्राप्त कर रही है उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित करे वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि THR पहले ही 25 दिनों के लिए दिया जा चुका है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस गर्भवती महिला का जो एंट्री है THR की हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे आप लोग पहले से ही ग्रीन देख रहे थे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे तीनों कॉलम को ग्रीन कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं धात्री महिला वाली कैटेगरी में। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े वाले पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिर्फ THR की एंट्री की गई है, बाकी दो कॉलम जो है वो ग्रीन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्रीन कर लेना है। फिर से यहाँ पे स्वास्थ्य खोज पे क्लिक करना है और इसमें बच्चे का जो वजन होता है, जैसे कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसका जितना वजन होगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म के समय उस बच्चे का कद कितना है वो डालेंगे और यहाँ पे उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप प्रसव के पहले घंटे में बच्चे को स्तनपान कराया गया था, तो यहाँ पे आपको हाँ वाले पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या बच्चे को केवल स्तनपान करवाया गया, तो उस पर भी आपको हाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कद सेंटीमीटर पूछ रहा है, यानी कि उस धात्री माता का कितना कद है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे उस धात्री माता का जो वजन है वो कितना है वो यहाँ पे डाल के, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना है वो पूछ रहा है। ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना अनिवार्य है, तभी आपका जो THR की एंट्री है वो 100% कंप्लीट मानी जाएगी। तो इसको जैसे ही भरेंगे तो आपका यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वाला कॉलम है, यहाँ पे पोषण युक्त अनुपूरक, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको कोई आपूर्ति दी गई है, जैसे कि गर्भवती महिला में जिस प्रकार से भरे थे उसी प्रकार से यहाँ पे धात्री महिला में भी पूछ रहा है कि कोई आपूर्ति दी गई है, जैसे कि फोलिक एसिड की गोली, आयरन की गोली, विटामिन कैल्शियम की जो भी दवाइयाँ होती है जो आंगनबाड़ी केंद्र से दी जाती है वो उस धात्री माता को दी गई थी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आपको देख के सिलेक्ट कर लेना है। विटामिन, आयरन, कैल्शियम जो भी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो कॉलम है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे पहला हमने आपको बताया उसको आप लोग इस प्रकार से करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी THR आप जैसे देते हैं वैसे ही आप लोग इस पे भर लेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की, जैसे कि बच्चों वाली कैटेगरी, जिसमें हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की THR की एंट्री करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे किसी एक बच्चे की कैटेगरी में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विकास और पोषण संबंधी विवरण पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ही कॉलम ग्रीन दिखा रहा है और पहला कॉलम जो है वो ग्रीन नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे पोषण युक्त हस्तक्षेप पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, यानी कि बच्चों को भी जो दवाइयाँ दी जाती है आयरन, विटामिन, कैल्शियम, वो दी गई है या नहीं। दी गई है तो आपको यहाँ पे विटामिन, कैल्शियम जो भी दी गई है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉलम ग्रीन हो चुका है। तो इसी प्रकार से बारी बारी से जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जो THR की एंट्री करनी है, सिर्फ THR ही नहीं देनी है बल्कि पोषण युक्त अनुपूरक के बारे में भी जानकारी देनी है कि क्या क्या उनको जो पोषक युक्त अनुपूरक दवाइयाँ हैं वो दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो THR की एंट्री है वो अब 100% कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।